हेलो फ्रेंड्स, आइए मैं आज आपको सबके मन को भाने वाली भिंडी की सब्जी आपको सिखाती हूँ। ये थोड़ी सी देर में ही बहुत जल्दी झटपट बहुत स्वादिष्ट बन जाती है, तो चलिए हम लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली है और एक बड़ा प्याज जिसको हमने रफली चॉप किया है, और तीन मैंने हरी मिर्च ली है, प्लस उसके लिए थोड़ा सा हमने जीरा लिया है, और स्वाद को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने ये हींग ली है एवरेस्ट की। और इसको बनाने के लिए हमने ये वाली जो चम्मच है इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया है। ये देखिए दोस्तों, हमारी कढ़ाई जो है हमने गैस पे रख दी थी वो गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, सरसों का ऑयल, जो भिंडी के स्वाद को और ज़्यादा अच्छा बना देता है। देखिए हमने ये थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया है, अब हम थोड़ा सा इसमें और डालेंगे। देखिए गाइस, ये आयरन की कढ़ाई है जिसमें भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हम अब स्पून पे देखिए ऑयल लगा हुआ है, हम इसको इसी में रख देंगे जिससे सारा ऑयल स्पून का जाके कढ़ाई में रुक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल है वो जो काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, साथ साथ एक चुटकी भर इसमें हींग डाल देंगे। इन दोनों को अच्छे से भुनने तक हम वेट करेंगे। ये देखिए जो हमारा जीरा है वो बहुत जल्दी ब्राउन होने लग गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल पास से। फ्रेंड्स, आयरन की कढ़ाई में भिंडी का स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जो हर तीसरे बंदे को बहुत ही पसंद आती है। बच्चों की फेवरेट भिंडी सबसे ज़्यादा होती है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जीरा काफ़ी अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च, जिसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसको थोड़ी देर चलाते जाएंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई काफ़ी गर्म हो चुकी है, ये डिब्बे से जल ना जाए। और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक हम इनको ऐसे ही रेगुलर चलाते रहेंगे। एक दो मिनट में ही ये हमारे जो प्याज हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे और साथ साथ ये गोल्डन ब्राउन भी हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो प्याज हैं वो बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये जल जाएंगे और फिर इनका टेस्ट जो है थोड़ा कड़वा कड़वा सा आएगा। आइए अब हम इसमें भिंडी डाल देते हैं। भिंडी डालने के बाद हम इसको वेल मिक्स करेंगे अच्छे से। गाइस, जो हमारे भिंडी है वो पूरे अच्छे से मिक्स हो गई है। हमने गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल सिम कर दी है। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें रेड मिर्ची का यूज करेंगे। एक स्पून हम इसमें धनिया डालेंगे। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें थोड़ी देर बाद, जब तक हमारे मसाले इसमें पूरे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, भूनेंगे, फिर हम इसमें नमक डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी भिंडी है हम इसमें थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून इसमें हम पानी ऐड करेंगे, जिससे जो हमारी भिंडी में मसाले हमने यूज़ किए हैं वो सारे मसाले अच्छे से इसमें घुल जाए और मिक्स होकर पूरी भिंडी को कोट कर लें। तो चलिए अब हम इसमें नमक ऐड करते हैं। नमक भी आप अपनी अपने स्वाद अनुसार आप इसमें डालेंगे। आप नमक तेज खाना पसंद करते हैं, कम खाना पसंद करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना इसमें यूज़ करते हैं। गाइस, भिंडी बहुत रियली देखने में बहुत यम्मी लग रही है, प्लस बनने के बाद तो इसका
स्वाद जो होता है वो दोगुना हो जाएगा। ये देखिए जो हमारी भिंडी वो काफ़ी अच्छे से कोटिंग हो चुकी है मसाले के साथ। अब हम इसको सिम गैस पे ही 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। चलिए गाइस हम अपनी भिंडी को चेक करते हैं, हमारी भिंडी कितनी पक चुकी है। तो गाइस ये देखिए जो हमने पानी डाला था भिंडी में वो बिल्कुल सूख चुका है, यानी कि भिंडी ने वो पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखिए भी हम इसको चेक करते हैं। हम एक स्पून में इसमें ऐसे एक भिंडी का टुकड़ा लेंगे और इसको नाइफ से कट करके देखेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए जो हमारे भिंडी का टुकड़ा है वो कट हो रहा है, बस थोड़ा सा टाइट है, तो यानी कि इसमें 2 मिनट और लगेंगी। तो चलिए हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे, पर उससे पहले हमें इसमें स्वाद लाने के लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो कि इसमें हमें किचन किंग जो हमारा मसाला आता है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने 1/2 टेबल स्पून किचन किंग लिया है, जो इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये गाइस मैं इसमें आमचूर नहीं डालूंगी, बहुत हैं जो लोग आमचूर डाल के खाते हैं, कुछ इसमें टमाटर का यूज़ करते हैं, बट हमारे घर में जो है इस भिंडी के अंदर लेमन डाला जाता है, लेमन जूस, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए हम इसको 2 मिनट के लिए पकाते हैं, फिर इसमें हम लेमन ऐड करेंगे। आइए हम अपनी भिंडी को चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको एक बार बीच में चेक कर लिया था, इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब हमारी भिंडी है वो काफ़ी अच्छे से पक चुकी है और ये इजीली देखिए इजीली कट रही है। अब फ्रेंड्स आती है बारी हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे। ये मैंने मीडियम टू लो गैस पे बनाई है, इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे 5 मिनट्स के लिए, उसके बाद हम इसमें लेमन को डालेंगे। गाइस हमारी भिंडी को 5 मिनट्स हो चुके हैं, जो ये ठंडी हो चुकी है काफ़ी। तो ये देखिए गाइस मैंने एक लेमन लिया, उसको बीच से काट के उसके बीज जो होते हैं उनको निकाल लिया। अब हम इस लेमन को इसके अंदर डालेंगे, तो हम इसको ऐसे निचोड़ेंगे। ये छोटा लेमन था इसलिए मैंने इसको पूरा डाला है, अगर आपका बड़ा लेमन हो तो प्लीज़ गाइस इसको हाफ डालिएगा, वरना आपकी जो भिंडी है वो काफ़ी खट्टी हो जाएगी। लेमन डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस ये जो आपको साइड में कॉर्नर्स में मेरे मसाले दिख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये पूरी कढ़ाई में चिपक गए, बट गाइस जैसे मैं इसको ढक के रखूँगी 5 मिनट बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, तो सारे मसाले जो है भिंडी में आ जाएंगे। तो चलिए गाइस हमारी भिंडी बनके रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी भिंडी की रेसिपी पसंद आई हो तो गाइस लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ बताइएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।